आप सभी का स्वागत है केएम न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। इस साल भारतीय बाल कल्याण परिषद ने वीरता पुरस्कार के लिए 22 बच्चों को चुना है। वीरता पुरस्कार में चुने गए हर बच्चे की कहानी प्रेरणा देने वाली है। किसी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी तो किसी ने पूरे परिवार को ही बचा लिया। आइए देखते हैं कैसा रहा ये कार्यक्रम। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020, जिसको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इस पुरस्कार का वितरण किया है, जिसमें कुल 22 बच्चों को सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वाले 22 बच्चों में से 10 लड़कियां और 12 लड़के हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बच्चे भी शामिल हैं। सम्मानित वीर बच्चों में 2 जम्मू कश्मीर और 1 कर्नाटक का किशोर है। कर्नाटक में भीषण बाढ़ के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता बताने पर इस बालक वेंकटेश को सम्मानित किया गया है। कुपवाड़ा में रहने वाला 16 साल का सरताज मोहिंदन और बड़गांव के 19 साल मुदस्सिर अशरफ को कश्मीर में साहसी कारनामे के लिए वीरता के इस सम्मान के लिए चुना गया है। इसके अलावा केरल के एक वीर बालक 16 साल के मोहम्मद मुहसिन को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। पिछले साल के अप्रैल महीने में समुद्र में खराब मौसम की वजह से खतरे में फंसे अपने 3 मित्रों की जान बचाई थी, लेकिन वे अपनी जान नहीं बचा सका और उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि भारतीय बाल कल्याण परिषद ने इस सम्मान के लिए 10 लड़कियों और 12 लड़कों के नाम का ऐलान किया था। हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पहले वीर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने की थी। इस सम्मान के तौर पर एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। इस पुरस्कार के तहत सामान्य सम्मान भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक को 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। चुने गए बच्चों को ग्रेजुएट तक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।